नमस्कार दोस्तों, सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में और ये वैकेंसीज आपका एज अ परमानेंट बेसिस वैकेंसीज रहने वाली है और ये रिक्वायरमेंट आपका CSIR IIT की तरफ से आया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है और इसमें ITI टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट रहेगी। सैलरी इसमें काफ़ी बढ़िया रहेगी दोस्तों, 38,483 रुपये आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट आपका CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की तरफ से आया जो कि उपल रोड तारनाका हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में ये आपका इंस्टीट्यूट स्थित है, यानी जॉब लोकेशन आपका तेलंगाना स्टेट एज अ रहने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया दोस्तों आप यहां पर डेट दे सकते हो, 23 नवंबर को रिलीज किया गया था और ये इसका एडवर्टाइज नंबर यहां पर एज अ रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्म है दोस्तों आपका 27 तारीख से स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे से और इसका लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए वो आपका 26 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 12 बजे रात तक, ठीक है। मैं एक बार फिर से डेट आपको रिपीट कर देता दोस्तों, इसका फॉर्म जो आपका 27 नवंबर से अप्लाई होगा और 26 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो वैकेंसी दोस्तों, पहले इसका इंस्टीट्यूट का अगर नाम अगर जानना है तो यहाँ पर देख सकते हो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद CSIR IIT की तरफ से रिक्वायरमेंट है जो कि प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द एगेंस्ट काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म भरा जाएगा। अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर टेक्नीशियन की आपका पोस्ट रहेगा जिसमें देखिए पोस्ट और नंबर की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पर 14 सीट रहेगी, SC के लिए 4 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 8 सीट है और EWS के लिए 2 सीट है, यानी कि टोटल आपका सीट का अगर मैं बात करूँ तो 29 सीट यहाँ पर रखी गई है और CPC आपका 7th रहेगा और लेवल 2 में आपका पेमेंट रहेगा जिसके अंदर यहाँ पर पेमेंट बहुत बढ़िया मिलेगा दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिए पेमेंट ITI की सैलरी यहाँ पर दे सकते दोस्तों 38,483 रुपए अप्रोक्स पर मंथ मिलेगा, इंक्लूसिव एज अ बेसिक पे DA HRA TA ये सारी चीजें इंक्लूड होकर आपको 38,483 रुपए पर मंथ आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 28 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज है 28 साल, बाकी SC ST है तो आप 3 साल और ऐड कर सकते हैं, SC ST है तो 5 साल, OBC है तो 3 साल और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके वैकेंसीज के डिटेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पर आपका पोस्ट कोड दिखेगा, ठीक है। एक्चुअली जो वैकेंसीज है वो आपका टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है बट अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्ट कोड आपका है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिशियन के लिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के लिए टोटल 5 सीटें हैं जिसमें जनरल के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है और EWS के लिए 1 सीट है और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए दोस्तों, लेकिन 10th में दोस्तों आपका साइंस में आपका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर 10th के मार्कशीट वगैरह आप देखेंगे कि साइंस में आपका कितना नंबर है उसका परसेंटेज निकाल लीजिए कि आपका 55% है कि नहीं, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। और ITI आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन से और ये अपने अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिशियन से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं बट आपका NSE से अप्रूव होना चाहिए या आपने ITI किए हैं तो NCVT से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्या क्या जॉब रहेगा ये आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सीट है दोस्तों आपका अलग पोस्ट कोड यहाँ पर दिया है जिसमें आप मैकेनिकल के लिए अगर बात करें तो फिल्टर के लिए, तो आपने अगर ITI फिल्टर ट्रेड से किया तो आपका 3 सीटें हैं, 10th के साथ आपका ITI फिल्टर होना चाहिए या आपने 10th के साथ अप्रेंटिस फिल्टर वगैरह से किए तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की सीटें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 5 सीटें हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए और ITI आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से रहना चाहिए और या आपने 10th के साथ अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल केमिकल प्लांट की सबसे ज्यादा यहाँ पर दोस्तों केमिकल प्लांट की सीटें हैं, अगर मैं बात करूँ टोटल सीटें हैं तो केमिकल प्लांट के लिए 10 सीटें और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th के साथ ITI अप्रेंटिसशिप वगैरह किए हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन के 3 वैकेंसीज है
और इसके लिए 10th के साथ आपका ITI RAC मैकेनिक या रेफ्रिजरेटर मैकेनिक वगैरह AC मैकेनिक है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल्स के लिए एक सीट है और 10th के साथ दोस्तों ITI मोटर मैकेनिक व्हीकल्स ट्रेड से होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ड्राफ्टमैन सिविल के लिए यहाँ पर दो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 10th के साथ आपका ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से होना चाहिए या आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह से रिलेटेड ट्रेड से किए तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ सीटें दोस्तों PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो उनके बेंचमार्क डिसेबिलिटीज होता है उसके अनुसार से कुछ सीटें उसमें रिजर्व रखी गई है, ठीक है। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशंस का जब बात करें तो यहाँ पर बेनिफिट अंडर द काउंसलिंग सर्विस में क्या क्या रहेगा, जैसे हमको आपका यहाँ पर DA TA HRA वगैरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, एडवांस जो है मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं और इस चीज़ें की बात करूँ तो जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एज लिमिट जैसे मैं आपको पहले बताया 26 साल तक जनरल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी SC ST है तो 5 साल, OBC वगैरह तो 3 साल, एक्स सर्विसमैन है तो आपको अलग से एज का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर एज को लेकर दिया गया है और फॉर्म इसका ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप भरेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में दोस्तों आपका ऑनलाइन ओमर बेसिस टेस्ट होगा और इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम रहेगा 10+ ITI 12 बेसिस रहेगा, टोटल 150 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट का पेपर, 1 आवर का रहेगा और इसमें मेंटेलिटी एबिलिटी 50 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर के इस तरह से, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड जो पेपर होगा दोस्तों 30 मिनट का होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क्स के और इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क्स के और इसमें एक एक नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, ठीक है। पार्ट 3 में दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन रहेगा आपका पूरा टेक्निकल 150 नंबर का और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग है एवरी रॉन्ग आंसर पर, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिया है, इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्म जैसे मैंने आपको पहले बताया, फॉर्म आपका स्टार्ट कब से हो रहा है 27 नवंबर से और 26 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वेट कीजिए, अभी ऑफिशियल वेबसाइट में हो सकता है फॉर्म भरने का लिंक अवेलेबल नहीं होगा तो 27 तक वेट कीजिए। फॉर्म का चार्ज भी है, ₹500 का एप्लीकेशन चार्जेस है, ठीक है, जो KSY के थ्रू आपको भरा जाएगा। कैसे आपको पेमेंट करना है इसके बारे में भी यहाँ डिस्कस किया दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको देख के भी भर सकते हैं, ठीक है। मैंने सारे चीज़ दोस्तों बता दिया है, फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है दोस्तों, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन दे दिया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है स्कैन करके और सेम डॉक्यूमेंट्स आपको DB के टाइम में भी चेक करेगा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये आप यहाँ फॉर्मा दिया है, आप इनके अनुसार से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ST ST या OBC वगैरह से हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा देख सकते हो, इसी के आधार पर आपको फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया, कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसी तरह से रेगुलर जॉब अपडेट पाने के लिए जॉब टक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।